हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपन एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसमें अपन यूजर से उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड लेने वाले हैं और उस डेटा को अपन कहीं पर स्टोर करवाने वाले हैं, ठीक है। और जैसे वो स्टोर हो जाता है तो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो आज के इस वीडियो में यही चीजें देखेंगे, कैसे अपन यूजर से इनपुट लेंगे और उसको कैसे स्टोर करवा सकते हैं, ओके। और इसके साथ हमारी बैकएंड वाली चीजें भी हो सकती हैं। मान लीजिए जो भी हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसे हम किसी अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं देखेंगे। ओनली हम देखेंगे किस तरीके से अपन रिएक्ट जेएस की हेल्प से कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, ओके, और यूजर से उसका डेटा ले सकते हैं। तो बस गाइज, आज के वीडियो में यही देखेंगे। तो बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में, ओके। तो न्यूटन स्कूल बेसिकली क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को पे करना पड़ता है। तो मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद पेमेंट। तो बस गाइस, यही था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल के बारे में। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, कैसे अपन रिएक्ट जेएस की हेल्प से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आता हूं अपने वीएस कोड एडिटर में। तो यहां पे मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड एडिटर में। तो यहां पे मैंने क्या कर रखा, अपना बेसिक सेटअप तैयार कर रखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप। जैसे मैं एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप तैयार करता हूं, रन करता हूं, तो यहाँ पे मेरा बेसिक सेटअप हो जाता है। और यहाँ पे अपना इसको अपने लोकल डिप्लॉयमेंट सर्वर पर इसको स्टार्ट भी कर रखा है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में अपन क्या देखने वाले हैं कि अपन बेसिक सा लेआउट तैयार करेंगे अपन लॉगिन फॉर्म का। सेकंड पार्ट में अपन देखने वाले हैं कैसे अपन यूजर से इनपुट ले सकते हैं यूज स्टेट हुक की हेल्प से। थर्ड पार्ट में अपन देखने वाले हैं जो भी अपना यूजर इनपुट देता है उसको कैसे स्टोर करवाएं और उसको अपन में कैसे अपने डैशबोर्ड पे उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ओके। तो यही बेसिक हमारे तीन वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे अपन बेसिक सा लेआउट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको जो सीएसएस वाला पार्ट है वह पहले से नोट डाउन कर रखा है और मॉर्कअप मैं अब यहाँ पे भी तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अलग से कॉम्पोनेंट फॉर्म कॉम्पोनेंट फोल्डर यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कॉम्पोनेंट फोल्डर, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लॉगिन डॉट जेएस फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल लॉगिन डॉट जेएस, ओके। और इसके साथ साथ में यहाँ पे इसके जो सीएसएस वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे मैं लॉगिन डॉट सीएसएस भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सीएसएस। और यहाँ पे मैं सीएसएस को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सीएसएस इसका नोट डाउन कर रखा है तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और वापस से चलता हूँ हमारी लॉगिन डॉट जेएस वाली फाइल में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से हमारी इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक अपना बेसिक से तैयार चीज़ें तैयार कर लूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले अपना इंपोर्ट जो सीएसएस वाली फाइल है उसको भी यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो लॉगिन डॉट सीएसएस फाइल, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका जो अपना मॉर्कअप वाला चीज है वो यहाँ पे मैं तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओके। मैंने अपना HTML की हेल्प से इसका बेसिक सा लेआउट तैयार कर लिया, ओके। तो यहाँ पे क्या किया, कंटेनर क्रिएट किया जिसका क्लास नेम दिया लॉगिन, ओके। और उसके बाद सेकंड एक अलग से कंटेनर क्रिएट किया जिसको फॉर्म, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया जिसके यहाँ पे अभी क्लास नेम को दिया अपने लॉगिन फॉर्म। और इसके अंदर यहाँ पे अपना एक स्पैन टैग यूज किया, उसके अंदर यहाँ पे अपन एक आइकन यूज किया, ओके। और उसके अंदर अपन एक क्या यूज किया, एक दो इनपुट टैग, एक हमारा ईमेल के लिए और सेकंड इनपुट टैग हमारा पासवर्ड के लिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अपने बटन बनाया लॉगिन बटन, और इसको यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट सर्वर पे यहाँ पे मैं चीज़ें शो कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ओके। अभी अभी हमारा सीएसएस वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ क्या? हाँ, सीएसएस का पार्ट इंक्लूड हो चुका है, लेकिन जो हमारी इसको अभी हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेता हूँ लॉगिन, ओके। और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, इससे जो मेरा लॉगिन वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और वापस से चलते हैं हमारे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, ओके। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे अपना बेसिक सा लेआउट तैयार कर लिया HTML CSS की हेल्प से, ओके। अगर आप इसका CSS वाला पार्ट नोट डाउन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओके। ये वाला पार्ट हो गया और इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट पार्ट है, ओके। आप इसको वीडियो को पॉज करके अगर सीएसएस का पार्ट चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। अपन सीएसएस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा आज रिएक्ट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ओके। तो ये मेरा पार्ट वन कंप्लीट हो चुका जिसमें अपन क्या किए हैं, बेसिक से लेआउट तैयार किए हैं। अब सेकंड चीज पे क्या देखने वाले हैं कि जो जैसे यहाँ पे कोई भी यूजर इनपुट करे, मान लीजिए यहाँ पे मेरा ईमेल एग्जाम्पल डॉट ईमेल हो, वो जैसे इनपुट करे और पासवर्ड इनपुट करे और लॉगिन जैसे क्लिक करें तो वो चीज़ें स्टोर हो जाएं। लेकिन उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे, इस इनपुट वाली फील्ड में आए, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हूँ, ओके। तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं हमारी स्टेट हुक की हेल्प से, स्टेट यूज स्टेट हुक की हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो यूज स्टेट हुक होता है, यूज स्टेट हुक, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूज स्टेट हुक,
सॉरी यूज स्टेट हुक ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारे इनपुट वाली चीज पे आते हैं ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को वैल्यूज ऐड करनी होगी ओके। वैल्यूज वाले फॉर्म में अपन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया है ना, अभी इसको इस तरीके से रखते हैं और पासवर्ड वाली चीज में भी इसको वैल्यू ही रखते हैं ओके वैल्यूज ओके। और इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक अपन ने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, लेकिन हाँ ऐसे नहीं सॉरी यहाँ पे अपन ऐसे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको यहाँ पे मेरे को ये वाली चीज करनी पड़ेगी ओके ओके। अब सही है, अरे आ रहा कुछ भी ओके। अब एकदम फाइन चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करता हूँ कि जो हमारा यूज स्टेट हुक होता है वो तो हमारा एक पैरामीटर लेता है। तो पैरामीटर क्या लेता है, जो हमारे इनिशियल स्टेट होती है वो हमारे एज एन ए पैरामीटर लेता है, और हमें क्या क्या चीजें रिटर्न करता है, एक हमें स्टेट रिटर्न करता है और उसके बाद हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है ठीक है। उस फंक्शन की हेल्प से हमारे स्टेट को हम अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट, और जो रिटर्न करता है उसको यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट यहाँ पे हमें सबसे पहले ईमेल के लिए कर रहे हैं ना, ईमेल के लिए, और जो सेकंड करेंगे सेट ईमेल, सेट ईमेल ओके। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा और इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ यूज स्टेट हुक की हेल्प से। और सबसे पहले हमें इसको अभी इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे ऐसे इनिशियल इसको जीरो ही रखते हैं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए करूँगा, तो पासवर्ड के लिए सिंपल यहाँ पे ऐसे पासवर्ड यहाँ पे ओके। और इसके बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड ठीक है ना, सेट पासवर्ड के लिए, सेट पासवर्ड के लिए चीजें हो जाएंगी इस तरीके से ओके। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारी वैल्यूज वाली चीज़ें यहाँ पे मैं ईमेल ऐड करता हूँ ओके। और इस वाली चीज में जो मेरी वैल्यू होगी इसमें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पासवर्ड ओके। और वापस से चलता हूँ अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एरर शो कर रहा है क्या? नहीं नहीं कोई एरर शो नहीं कर रहा, वापस से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पे पूरी चीज़ सही चल रही है, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है। तो वो मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ कि जो हमारा इसमें ऑन चेंज मेथड होता है ओके। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मेरे को ऑन चेंज मेथड को लिसन करना पड़ेगा ओके। इवेंट जो फायर होता है जिसमें कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट फायर होता है उसको यहाँ पे मेरे को हैंडल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन चेंज ओके, ऑन चेंज ओके। इसमें यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ईमेल चेंज ना, तो ऑन ईमेल चेंज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है, ऑन ईमेल चेंज। और इस वाले जो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और वापस से आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्स्ट और इस वाले को कॉपी करके और एरो फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे सॉरी ओके, यहाँ पे इसको अपन लिसन कर लेंगे ऑन ईमेल चेंज को। और इसी तरीके से हमारे पासवर्ड के लिए होगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है ना, यहाँ पे एंड इसके यहाँ पे करेंगे पासवर्ड ओके। तो इसी को भी यहाँ से मैं कॉपी करके और वापस से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट पासवर्ड चेंज, ऑन पासवर्ड चेंज, और यहाँ पे एरो फंक्शन ओके। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे करने वाला हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे क्या करूँगा चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे चीज़ें शो करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ईमेल ऐड ईमेल चेंज। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड चेंज के लिए, कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड चेंज के लिए ना, तो कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड चेंज ओके। और वापस से चलते हैं अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, और यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ ओके, कंसोल पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा जैसे यहाँ पे मैं ईमेल वाले सेक्शन में कुछ करने की कोशिश करता हूँ, टाइप करता हूँ, तब यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल चेंज ओके, मतलब मेरा वो इवेंट फायर हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड वाली चीज़ में करने की कोशिश करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज ओके। तो अब यहाँ पे मेरी चीज़ें हो तो रही हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इवेंट जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे मेरे को इनपुट एरिया में शो करें, तो वो किस तरीके से करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इवेंट ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में ईमेल चेंज की बजाय यहाँ पे मैं आपको ई, यहाँ पे जो हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको शो करवाता हूँ ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सको, यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, तब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ओके। तो इसमें हमारा होता है टारगेट, एक चीज़ होती है जिसका हम यूज़ करने वाले टारगेट, और टारगेट में क्या होता है वैल्यू, इसको अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर में, और यहाँ पे क्या करूंगा कि जो भी हमारा ईमेल जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेट ईमेल, सेट ईमेल वाली चीज़ में ई डॉट जो हमारा टारगेट है ई टारगेट ओके, और जो टारगेट वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इस तरीके से वापस से चलता हूँ अपन कंसोल डॉट लॉग करेंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे गगन गगन दत्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह इस तरीके से मैं टाइप कर पा रहा हूँ, और यही चीज़ अपन करेंगे पासवर्ड वाली चीज़ के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सेट ईमेल को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया, लेकिन सेट ईमेल की जगह अपन को या क्या यूज करना पड़ेगा, सेट पासवर्ड यूज करना पड़ेगा ओके। अब वापस से चलता हूँ मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, तो यहाँ पे बोल रहा है इज नॉट डिफाइंड, तो हमें हमारे को यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ इस तरीके से। तो वापस से चलता हूँ अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये मैं पासवर्ड में भी यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तब मेरी पूरी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया कि अपन किस तरीके से, जो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, कैसे अपन इनपुट ले सकते हैं। ओके, अब इसी इनपुट को अपन क्या करने वाले हैं, जैसे इस लॉगिन बटन पर क्लिक करें कोई भी, तो ये चीज़ें हमारे सबमिट हो जाएँ और यहाँ पर हमारे क्या हो, ये स्टोर भी हो जाएँ उसके साथ साथ में। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन वापस से फॉर्म सबमिट वाले चीज़ में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करे तो हमारा फोन सबमिट हो जाए। ओके, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन सबमिट एक इवेंट होता है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन सबमिट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन सबमिट, और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको ऑन सबमिट यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, ऑन सबमिट। ओके, और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी, कॉन्स्ट ऑन सबमिट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन सबमिट को करने के बजाय यहाँ पे इसको ऑन सबमिट फॉर्म करता हूँ, क्योंकि अपन एक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना, तो एक यहाँ पे मैं नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगे, तो ऑन सबमिट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फॉर्म एक सबमिट होगा तो हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन यहाँ पे इस चीज को करने वाले हैं आगे। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी हमारी ये वाली चीज़ें होने वाली हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वापस से आता हूँ अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पर, जैसे कोई यहाँ पे इनपुट करे, जैसे एंटर करें यहाँ पे ईमेल नेम और जैसे हमारे पासवर्ड नेम, और फिर लॉगिन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर पूरा डेटा सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, वो कैसे सेव कराएंगे, वापस से आता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर में। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे क्रिएट करने वाला हूँ, और एरे के अंदर जो भी हमारी ईमेल और पासवर्ड है उसको यहाँ पे मैं स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट, उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमें एक और स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जैसे इनको मैं स्टोर करवा सकूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल न्यू एंट्री एंट्री, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेट न्यू एंट्री। ठीक है, सेट न्यू एंट्री करके यहाँ पे मैं न्यू एक यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, और जो ये वाली स्टेट होने वाली है इसको भी अपन इनिशियली स्टेट क्या रखेंगे, इसका जो भी इनिशियल वैल्यू है वो अपन क्या रखने वाले हैं, इसका एक एम्प्टी एरे रखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और जो भी मेरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो भी इनपुट के तौर पे, उसको अपन इस एरिया में स्टोर करवा रहे हैं, जैसे उस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। ओके, वो कैसे स्टोर हो जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो वापस से आता हूँ अपने यहाँ पे ऑन सबमिट फॉर्म वाले इस फंक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू एंट्री करके। ओके, न्यू एंट्री, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला, ईमेल। ओके, और ईमेल वाली चीज़ में यहाँ पे सबसे पहले ईमेल ही कर देता हूँ, एंड सेकेंड नंबर पर अपन पासवर्ड है, तो पासवर्ड की जगह अपन इसको पासवर्ड। ओके ओके, तो इसको यहाँ पे मैं स्टोर करवा लिया हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं एंटर, जैसे लॉगिन बटन पर कोई क्लिक करें ना, तो ये फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे वाले इसको भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो मैंने सेट न्यू एंट्री है इसको अपन अपडेट कर देंगे, और इसमें अपन क्या चीज़ ऐड करेंगे, इन न्यू एंट्री अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऐसे, और सेट न्यू एंट्री के अंदर यहाँ पे मैं इसको न्यू एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, न्यू एंट्री को यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, वापस से चलता हूँ अपने इस वाली चीज़ पर, और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैं example.com यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, example.gmail.com, और पासवर्ड में अपन यहाँ पे 1234 रखते हैं। ओके, देन इस पर लॉग इन पर क्लिक करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लॉग इन पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तब मेरे को एक चीज़ और यहाँ पे कॉम्पोनेंट वाले सेक्शन में आई हूँ। पहले तो आप कॉम्पोनेंट में आपको यहाँ पे मैं स्टेट शो करवाता हूँ किस तरीके से चेंजेस हो रही है। तब यहाँ पे आप देखिएगा हुक वाले सेक्शन है ना, तो वापस से मैं इसको टाइप करता हूँ example.gmail.com। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्टेट है वन, जो हमारे स्टेट वेरिएबल वन था वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, लाइक पासवर्ड, तब यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड वाली चीज़ें हो गई, और थर्ड वाली अभी हम यहाँ पे हुई नहीं है। जैसे यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक करता हूँ तो ये सभी चीज़ें मेरी यहाँ पे रिमूव हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी इसका हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, जो इसका क्या होता है HTML का बाई डिफॉल्ट होता है, उसको एक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है, तो हम वो चीज़ नहीं करने वाले। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो इसके जो बाय डिफॉल्ट इवेंट फायर होते हैं वो ना हो इसके लिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इवेंट प्रिवेंट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी बाय डिफॉल्ट चीज़ें इवेंट फायर हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे मैं ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे इसको इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी बटन यहाँ पे करता हूँ, लाइक ईमेल एग्जाम्पल के लिए, और पासवर्ड में यहाँ पे मैं पास करता हूँ पासवर्ड, जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे बाय डिफॉल्ट वो लॉगिन वाला चीज़ जो होती है वो ऐसे नहीं होती है। ठीक है, हमारा पेज रीलोड नहीं होता है, यहाँ पे चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ईमेल एंड पासवर्ड। लेकिन ये क्या क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मैं सबमिट वाले बटन पे, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे हमारे ईमेल वाला सेक्शन यहाँ पे अभी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा यूजर आ रहा है तो उसके लिए तो हमें एम्प्टी चाहिए ना ये वाला स्पेस, तो उसको भी हम यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट ईमेल और सेट पासवर्ड को यहाँ पे
हाँ एक लेकिन एक चीज और, उससे पहले यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया मैं। मान लीजिए कि सेट न्यू एंट्री के अंदर अपन जो न्यू एंट्री को यहाँ पे स्टोर करवा दिए, लेकिन जो मान लीजिए मैंने अभी एक नंबर स्टोर किया, एक यूजर का आईडी स्टोर किया, उसके बाद दूसरा यूजर आईडी आ रहा है, तो क्या होगा कि अगर इस ऐसे करूंगा तो इसको मैं स्टोर करवाऊंगा, जो मेरे पहले वाले चीजें वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो उससे उसको भी रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक डिस्ट्रक्चर एरे डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इस वाले एरे को भी यहाँ पे हमें स्टोर करके रखना ही पड़ेगा, ऑल न्यू एंट्री को। ओके, तो क्या होगा कि इसके अंदर पहले वाले तो स्टोर हो ही जाएंगे और जो नया आएगा वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाली चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया, और अपन क्या करने वाले थे, जो भी हमारा एम्प्टी करने वाले थे ना उसको, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट ईमेल को यहाँ पे वापस से इसका एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे जो सेट पासवर्ड है, सेट पासवर्ड को भी यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से चलते अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, और लॉगिन पे जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा ब्लैंक हो चुका है पासवर्ड वाला। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ना, gmail.com, और पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक पासवर्ड ही ऐड कर सकता हूँ पासवर्ड। देन यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी एंट्री है 2 नंबर पे, यहाँ पे ईमेल इसका ये हो जाएगा example.com और पासवर्ड में पासवर्ड। ओके, तो ये हो गया कि अपन किस तरीके से अपन यूजर का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ऑल न्यू एंट्री है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे हमारी सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी हमारा ऑल न्यू एंट्री है इसको यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। और वापस से आता हूँ अपने कंसोल पे, तो कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे एलिमेंट एंड कंसोल। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी यहाँ पे देख लिया हूँ, तो यहाँ पे मेरे कंसोल पे भी चीजें आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कि जो यहाँ पे मैं क्या था ऑल न्यू एंट्री ना, ऑल न्यू एंट्री यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लिया हूँ। ओके, तो ये हमारा एरे हो गया जिसके अंदर अपन जो भी यूजर के यूजर से अपन जो भी डेटा ले रहे हैं वो इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया है, ठीक है। अब मेरे को लास्ट चीज एक बताया कि अपन यहाँ पे इसको कैसे डिस्प्ले कराएं, हम इसको स्टोर तो यूजर से इनपुट भी ले लिए और उसको अपन यूज स्टेट वेरिएबल जो हमारा था उसमें यहाँ पे स्टोर भी कर लिए हैं, ठीक है, एक एरे के फॉर्म में। अब यहाँ पे इस यहाँ पे कैसे शो करवा सकते हैं, तो यहाँ पे अपन किसकी हेल्प से शो करवा सकते हैं, मैप मेथड की हेल्प से इसको शो करवा सकते हैं। ओके, वैसे मैंने मैप मेथड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डिव कंटेनर यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, डिव कंटेनर, और इसके अंदर यहाँ पे भी एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी हमें, रिएक्ट फ्रेगमेंट। अगर यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा चीज़ इसको यूज़ कर रहा हूँ तो देन हाँ, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैप मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो मैप मेथड कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास कौन सा एरे है, ये एक ऑल न्यू एंट्री ये एरे है, इसके अंदर ही सभी मेरा डेटा स्टोर है ना, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ मैप मेथड। तो मैप मेथड क्या कर, मैप मेथड की हेल्प से जो भी इसके हर एक एलिमेंट है उसको मैं आइट्रेट कर सकता हूँ। आइट्रेट करूंगा तो एक एलिमेंट आएगा, तो मान लीजिए एक एलिमेंट में क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी आईडी और जो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मैं शो करवा सकता हूँ। वो कैसे करूंगा, तो ये क्या चीजें लेता है, एक हमारा मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको लाइक कोई भी चीज दे सकते हैं एलिमेंट। ओके, एलिमेंट में क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे हमारा कैसे जो होने वाली है, एलिमेंट में हमारा एक हर एक एलिमेंट हर एक एड्रेस में उसका एलिमेंट होगा। एलिमेंट में क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं एक डिव कंटेनर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, तो डिव। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग के अंदर इसको लेके आने वाले हैं। तो पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे हमारा एलिमेंट एलिमेंट डॉट, उसका मैं क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए ना, तो ईमेल आईडी, और सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड, और वापस इसको सेव करता हूँ, और वापस से चलते हमारे यहाँ पे, तब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ईमेल, फर्स्ट नंबर पे अपने ईमेल दिया था, देन उसके बाद हमने पासवर्ड, उसके बाद ईमेल पास, और ऐसे हमारे यूजर नेम और सॉरी हमारा जो भी ईमेल था वो, और जो मैंने पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कुछ सीएसएस वगैरह ऐड कर सकते हो जो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हो। ओके, इसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे मैंने उसको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही था कि अपन किस तरीके से अपन एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस की हेल्प से, और जो अपन ये एरे आया है हमारा लास्ट में ऑल न्यू एंट्री, इसी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, और भी अगर इसको डेटाबेस में भेजना हो तो अपन यही चीज़ें डायरेक्ट भेज सकते हैं। ओके, और आप इसमें और ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, मान लीजिए एक प्रॉपर ईमेल आईडी के लिए कर सकते हो। ओके, और पासवर्ड के लिए भी आप कर सकते हो, भाई इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट होने चाहिए, कोई भी पासवर्ड ऐसे ही कोई पासवर्ड नहीं लगा सकता। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया कि मैं कुछ भी पासवर्ड लगा पा रहा हूँ, कुछ भी ईमेल आईडी लगा पा रहा हूँ,
ठीक है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको अगर नहीं पता चलता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, आप रिक्वायर्ड कर सकते हो इसको। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।